So very good morning to class 7 student of St. Paul High School. So in this video, we will be talking about proportion. In the earlier video, we have talked about ratio. And in this video, we will be talking about proportion. So what is proportion basically? When the number are increasing in the same amount. For example, I am giving an example. For the number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's suppose these are the numbers, okay. So you see the difference between all the number is 1, yes or no? जो भी difference है इन सारे नंबर में वो difference है कितना 1 का. वैसे और एक example दिखाता हूँ मैं आपको. 2, 4, 6, 8, 10. So here all the difference is of 2. So this says what? This means that the number has been increasing with the same difference. Here also the number are increasing with the same difference. So we can say, so it is also in a proportion. It is also in a proportion. इसे कहते हैं basically proportion. ठीक है? So we are directly heading to the exercise. Okay. So the question number we will be starting from MCQ. The MCQ is very important here. So number one question is we have to find the third proportion. हमें third proportion ढूंढना है. फर्स्ट प्रोपोर्शन पता है मुझे, ए पता है, 9 पता है एंड 12. वी हैव टू फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, राइट? तो वी कैन राइट थर्ड प्रोपोर्शन एज एक्स. सो वी हैव नो ए, वी नो बी, बट वी डोंट नो सी. इफ यू हैव टू फाइंड लाइक दिस द नंबर, देन वी हैव अ फार्मूला. ओके, आप फार्मूला लिख सकते हो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी. ये रहा आपके सामने फार्मूला. सो वट इज बी? वी हैव, वी हैव 12 एज बी. सो वी हैव टू स्क्वायर इट. A is what here? 9, and C is X. We can replace it, okay? 9 into X equals to 12 into 12. Why 12 into 12? Because 12 square we have, right? So we can write X is equal to 12 into 12 by 9. So we can cut from 3. 3 3s are 9, 3 4s are 12. 3 1s are 3, and 3 4s are 12. What is that remaining? 4 4s are 16. So this is your answer. एक बार फिर से देखिए. In the question, what we have given, we have to find the third proportion. Third proportion ढूंढना है. First number पता है, second number पता है, third number ढूंढना है. सीधा सीधा बात है, okay? So in that third number, you see, we know the first number होगा मेरा A, second number होगा B. Third number नहीं मालूम तो मैं X लिख सकता हूँ. मेरा formula है, उसके formula क्या है? B square is equal to A into C. This formula you have to use wherever you are calculating for the third proportional. जब भी आप third proportional ढूंढोगे आप ये formula use कर सकते हो. B square is equal to A into C. The पहला number आपका A है, B तो 12 है, C तो नहीं मालूम, तो into C. आप X represent, आप replace कर सकते हो. 12 square is equal to 9 into X. तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो. इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर, और सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया? एक्स का वैल्यू आ गया 16. सॉरी. सो द आंसर इज लाइक दिस. इन द सेकंड क्वेश्चन, ओके, आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू डू द सेकंड क्वेश्चन आल्सो. इन द सेकंड क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल. दिस कौन सा प्रोपोर्शनल ढूंढना है आपको? फोर्थ प्रोपोर्शनल. तो फार्मूला डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है? जो फार्मूला था वो सेकंड थर्ड प्रोपोर्शनल के था बेसिकली. अगर आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल ढूंढना है तो फार्मूला थोड़ा अलग हो जाएगा. सो फर्स्ट नंबर वी नो, सो वी कैन राइट इट इज एज ए. सेकंड नंबर वी नो, दैट इज वी कैन राइट बी. इसको सी ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं डी. तो इसका एक फार्मूला है. फार्मूला ऐसा है कि ए इंटू डी इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी इंटू सी. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू डी. और यू कैन रिप्लेस ऑल्सो, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी. क्यों लिख सकते हैं हम ऐसा? बिकॉज इक्वल टू इज देयर, राइट? तो मैं इस वैल्यू को इधर लिखूं या इस वैल्यू को इधर, बात तो एक ही है. जब भी आपको चार नंबर, तीन नंबर दिए हैं और फोर्थ प्रोपोर्शनल ढूंढने में बोल रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है दैट ए इंटू डी इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी इंटू सी. ठीक है, ए क्या है आपका 12 और डी क्या है आपका एक्स. बी कितना है 16 एंड सी कितना है 18. ठीक है, आपको एक्स का वैल्यू ढूंढना है, 12 को उधर भेज देंगे. 16 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 12. सो 6 का टेबल लगाते हैं. 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18, 2 8 जा 16. नाउ द आंसर इज 8 थ्री जा 20,
4 इज अ आंसर. कैसे काटा मैंने, 6 टू जो 12, 6 थ्री जो 18, 2 8 जो 16, 8 थ्री जो 24, बस खत्म हो गया. ठीक है, वैसे ही ये नंबर है, इसको भी करिएगा. मीन प्रोपोर्शनल ढूंढना है, इट इज डिफरेंट. ओके, मीन प्रोपोर्शनल कैसे ढूंढते हैं, इस क्वेश्चन यू विल ट्राई. ओके, आप सोचिएगा इक्वल टू का इधर है तो आप ऐसा लिख सकते हो. इस क्वेश्चन नंबर 3 को आप सॉल्व आप लोग कीजिएगा, मैं बस लिखने का तरीका दिखा रहा हूँ आपको. तो लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा इसका, 16 बाई 20 इक्वल्स टू 8 बाई एक्स, ये टू क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, तो कुछ ऐसा दिखेगा, 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 8 एंड एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 8 बाई 16. ये टू सॉल्व. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करिएगा, 4 मैं करके दिखा रहा हूँ आपको. मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल मतलब द मिडिल नंबर. ओके, मिडिल नंबर मीन प्रोपोर्शनल हियर वी मीन्स द मिडिल नंबर. क्या ढूंढना है, मिडिल नंबर ढूंढना है हमें. सो द फर्स्ट नंबर वी कैन राइट एज ए एंड द सेकेंड नंबर वी कैन राइट एज सी. ओके सॉरी, एंड वी हैव टू फाइंड द मिडिल नंबर. वी कैन राइट दैट मिडिल नंबर एज बी. हम इसका एक्स ला सकते हैं थोड़ा देर के लिए. ए और सी पता है, अब इधर भी वही फार्मूला लगा देंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी. सो इफ यू रिमूव स्क्वायर इट विल बी रूट ओवर 25 इंटू 81. सो 25 इंटू 81 25 40 16 प्लस 4 20 25 बिग आंसर हो गया 20 25. आई नो द आंसर, द आंसर इज 45 इंटू 45 एंड जब भी स्क्वायर रूट में जोड़ी हुई नंबर होता है तो एक नंबर बाहर आता है, तो आंसर इज 45. कैसे आया सर ये, आप कैसे पता चल गया ये है, बिकॉज आई नो दिस. यू सी वेन एवर आई हैव टू डू द स्क्वायर ऑफ 15 राइट, द नंबर दैट इज एंडिंग विथ 5 ये सिर्फ उस नंबर पे फॉलो होते हैं जो नंबर 5 पे एंड हो रहा है. ठीक है, तो 15 स्क्वायर 1 के बाद क्या आएगा, 2 2 1 जो 2 एंड 5 5 जो 25 25 का भी ऐसे होते हैं, 5 5 2 के बाद क्या आता है, 3 3 2 जो 6 5 5 जो 25 35 का भी ऐसे ही आंसर आता है, 3 के बाद क्या आता है, 4 3 4 जो 12 5 5 जो 25 45 पे भी ऐसे होता है, 5 4 जो 4 के बाद क्या आता है, 5 तो 4 5 जो 20 और 5 5 जो 25 ऐसे करके आप जो भी नंबर 5 पे एंड हो रहा है, जैसे कि 45 हो गया, 55 हो गया, 65 हो गया, 75 हो गया, 85 हो गया, 95 हो गया, यहीं तक जाइएगा. अगर ऐसा नंबर से तो लास्ट में अगर 5 आ रहा है तो इसका क्या होगा, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25. सो दिस आर द ट्रिक टू रिमेंबर द स्क्वायर रूट्स ऑल्सो. ओके, सो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 ऑल्सो. ओके, इट इज रिलेटेड टू द क्वेश्चंस विच आई हैव डन. सो आप लोग ये ट्राई कीजिएगा, नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6. थैंक यू.